चौहटन के वांकल धाम वीरात्रा में भादवा माह के मेले के दूसरे दिन गुरुवार को श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। सवेरे से ही हजारों श्रद्धालुओं के वांकल धाम वीरात्रा पहुंचने का क्रम शुरू हो गया, जो दिन भर जारी रहा। हजारों की तादाद में उमड़े श्रद्धालुओं ने मंदिर में दर्शन कर पूजा अर्चना की और खुशहाली की मन्नतें मांगी। चौहटन से विपिन भंसाली की रिपोर्ट। चौहटन के श्री वांकल धाम वीरात्रा में भादवा माह में लगने वाला वांकल माता के मेले के दूसरे दिन गुरुवार को सवेरे से ही हजारों श्रद्धालुओं के पहुंचने का क्रम शुरू हो गया। श्रद्धालुओं के वीरात्रा आने का क्रम दिन भर जारी रहा। हजारों की तादाद में उमड़े श्रद्धालुओं ने मंदिर में दर्शन कर पूजा अर्चना करते हुए खुशहाली की मन्नतें मांगी। रेतीले टीबों और मनोरम पहाड़ियों के बीच संगमरमर के पत्थरों से बना धवल मंदिर दूधिया रोशनी से जगमग नजर आ रहा था। मेले को लेकर वांकल माता के मंदिर की ओर से विशेष लाइट डेकोरेशन व फूल मालाओं से सजाया गया। ट्रस्ट मंडल के पदाधिकारी व वांकल माता के श्रद्धालु भक्तजन मेले की व्यवस्थाओं को दुरुस्त बनाने में लगे हुए थे। ट्रस्ट अध्यक्ष कैप्टन सगत सिंह परो के अनुसार मेले में ट्रस्ट मंडल द्वारा बिजली, पानी, आवास, भोजन, चिकित्सा की माकूल व्यवस्था की गई। साथ ही पूरा मेरा परिसर एवं मंदिर के CCTV कैमरों से जोड़ा गया। ट्रस्ट सचिव भैरव सिंह ढोक के अनुसार मेले में 3 लाख दर्शनार्थियों के आने की संभावना है। उसी के अनुसार सारी व्यवस्थाएं पूर्ण कर दी गई है। उपखंड अधिकारी वीरमा राम, पुलिस उपाधीक्षक अजीत सिंह, थानाधिकारी रमेश ढाका ने गुरुवार को वीरात्रा पहुंचकर मेले की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने बिजली, पानी, चिकित्सा, यातायात सहित शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। मेले के दूसरे दिन मंदिर सहित समूचे मेला परिसर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगी रही। वांकल माता के जयकारों, घंटियों और नगाड़ों की गूंज दिन भर गूंजती रही। श्रद्धालुओं ने मंदिर में दर्शन कर दंडवत होकर मन्नतें मांगी। वहीं हवन में नारियलों का होम चढ़ाया। संध्या आरती के दौरान मंदिर परिसर में भारी भीड़ उमड़ी तथा आरती पूजन किया। हिंगलाज माता शक्तिपीठ से ये देवी की प्रतिमा लाई गई और यहाँ वर्ष भर में 3 बड़े मेले रखते हैं। नवरात्रि दोनों में खूब सारे लाखों लोग आते हैं और यहाँ ऐसी धारणा है कि यहाँ 18-19 हजार बीघा जमीन है जिसमें औरण है और कोई भी हरे दरख्त को नहीं काटता है। देवी की आस्था के कारण लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है और लोग हमेशा इस मंदिर में आस्था के रूप में अपनी झड़ूले जिस प्रकार जात देते हैं वो देते हैं और नवविवाहित जोड़े वो आकर हमेशा इस शादी के बाद में यहाँ अपनी जात देते हैं। मंदिर परिसर में भोजन, आवास और पानी की माकूल व्यवस्था की गई है और लाइट डेकोरेशन हर प्रकार से व्यवस्था की गई है। साथ ही इस भादवा मेले विशेषकर नवविवाहित जोड़े अपने दाम्पत्य जीवन की सुखमय कामना के लिए बारह मंदिर की परिक्रमा कर रात्रि विश्राम वीरात्रम करते हैं। सुबह भी यहाँ से विश्राम होता है। वीरात्रा माता जी की इतनी अनुकंपा है कि एक बार जो भी भक्त आता है उसकी मनोकामना हमेशा पूर्ण होती है। इस बार 1/14 की तिथि बढ़ने के कारण यह मेला 4 दिन तक चलेगा। भादवा माह के वीरात्रा मेले के दौरान नवविवाहित दंपति सुख दाम्पत्य जीवन की कामना के लिए जात लगाने आते हैं। वहीं नवजात शिशुओं के झड़ूला उतारने के लिए 14 की कुलदेवी माँ वांकल माता के यहाँ हजारों लोग जात लगाने आते हैं। मेले की हजारों की संख्या में रोजाना श्रद्धालु उमड़ रहे हैं।